नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बीन पारुल पे। आज मैं लेके आई हूँ सबकी फेवरेट रबड़ी। बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल की रेसिपी है। आप मेरे स्टाइल में बनाओगे तो बहुत ही अच्छी लच्छेदार रबड़ी बनेगी। मैंने लिया है करीब 2 लीटर दूध, शुक्कर और मलाई, और ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो डालिए या मत डालिए। अब मैंने रख ली है कढ़ाई। कोशिश करिएगा थोड़ी थिक बेस की कढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि दूध चिपके नहीं, क्योंकि हमको दूध को बहुत देर तक उसको पकाना है। अब मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है मिल्क। अब दूध डालने के बाद कढ़ाई को हम बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। आप धीरे धीरे उसको हिलाते रहिए बीच बीच में, कि दूध नीचे से चिपके नहीं, और इस तरह से जो भी दूध के ऊपर मलाई जमती है आप उसको साइड में करते रहिए, कॉर्नर्स में आप उसको कलेक्ट करते जाइए। आप चाहें तो मलाई को एक दूसरे किसी भी बाउल में निकाल के रख सकते हैं और एंड में इसको मिल्क में मिला सकते हैं। आप देख सकते हो धीरे धीरे दूध बॉयल होता हो रहा है और मलाई जमती जा रही है। इस तरह से कलर भी चेंज हो रहा है मिल्क का, बिल्कुल आपको लग रहा है हल्का धीरे धीरे बादामी दूध होता जा रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। शुगर करीब मैंने एक बाउल डाली है। आप चाहें जितना मीठा ले सकते हैं, आप शुगर का भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बिल्कुल चेंज हो गया है दूध का कलर, आप देख सकते हो एकदम गोल्डन हो गया है। जैसे ही शुगर मिलेगी, शुगर डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको और बॉईल करेंगे और फिर गैस ऑफ करके इसको नीचे उतार लेंगे और दूसरे पैन में इसको डाल लेंगे। आप देख सकते हो कितनी ही अच्छी और गाढ़ी और लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार है। जब रबड़ी का टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे ही वो ठंडी होगी वो और थिक हो जाएगी। अब मैंने एक थोड़े से पानी में केसर को घोल के रख लिया है। आप इस तरह से केसर का छींटा भी दे सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।